और हमसे जुड़े हुए हैं हमारे माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। आइए जानते हैं इनसे 2019 चुनाव की किस तरह से तैयारी है, जानते हैं सर। बहुत अच्छी तैयारी है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीतेंगे। हो गया, हो गया सर। जीतते हैं तो सर पटना को क्या तोहफा देंगे? पटना को ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ। यहाँ BPO बन चुका है, यहाँ इनोवेशन का सेंटर बना है, स्मार्ट सिटी बन चुका है, और आगे बढ़ाएंगे। पटना के हर इलाके में काम करना है, कृषि का, स्वास्थ्य चीज एकदम शौक से करिए, थोड़ा देरी सही। हाँ सही बात, हो गया। आइए तो सबको पकड़िए, सब लोग ज्वाइंट हैंड लगा दो, सब लो, सब पकड़ो, हो गया। बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजेश जी, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, अरुण सिन्हा जिंदाबाद, अरुण सिन्हा जिंदाबाद, अरुण सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, अरुण सिन्हा जैसा हो, प्रशासन कैसा हो, रविशंकर प्रसाद जैसा हो, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय परिषद में लंबे समय तक मेरे साथ काम करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष, पटना साहिब क्षेत्र के संयोजक संगठन की ओर से आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ के हमारे निवासी और पटना साहिब लोकसभा के प्रभारी बाबू रामजी सिंह जी, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सीताराम पांडे जी, अजय जी, रवि सिंह जी, बैद्यनाथ रमन जी, पिंकी यादव जी, उर्मिला सिंह जी, सुधीर शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष चुनमुन जी, राजेश जी, संतोष कुमार पप्पू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय गुरु प्रसाद सिंह जी, मेरे JP मूवमेंट के साथी कुमार अनुपम जी, संजीव मिश्रा जी और मंच संचालक राजीव रंजन जी। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार करता हूँ, बहुत विनम्रता से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी अरुण जी ने मुझे बताया नहीं था, लेकिन कहा कि सभी कार्यकर्ता को आपको माला पहनाना है। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई हुआ था, और पैदल मैं स्कूल राजेंद्र नगर हाई स्कूल जाया करता था, वहां से मैट्रिक पढ़ा, फिर पटना कॉलेज से, फिर पटना विश्वविद्यालय से MA किया, और अरुण जी और हम लोग लॉ कॉलेज में साथ साथ थे, और हम लोग विद्यार्थी परिषद JP मूवमेंट के कार्यकर्ता भी थे। तो मैंने अपने को पटना से कभी अलग नहीं किया, पटना मेरे दिल में था, पटना मेरे दिल में है, और पटना मेरे दिल में रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। भले ही मैं जिला स्तर पर काम करूं, मैं प्रदेश स्तर पर काम करूं या राष्ट्रीय स्तर पर काम करूं, ये मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं। इसलिए आज आपसे एक वादा करता हूं, देश में एक जबरदस्त हवा चल रही है, और इस बार नरेंद्र मोदी को देश के लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और पटना साहब के भी एक एक मतदाता उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी जीत होगी तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरी जीत है, मैं ये कहूंगा ये कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की जीत है, संगठन की जीत। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना। याद करिए, मोदी जी जब 14 में जीते थे तो आपने TV पर वो दृश्य देखा होगा, 282 सीट जीतकर आए थे। आडवाणी जी ने उन्हें कहा कि आज मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए,
मोदी जी की आंखों में आंसू आ गया कि पार्टी तो मेरी माँ है ना, कोई बच्चा माँ से बड़ा हो सकता है क्या? हम लोग यही सीख है। और आज जब मैं कुम्हरार क्षेत्र में हूं तो यहां तो बचपन के समय से आता हूं, सुशील मोदी के लिए भी काम किया, अरुण सिन्हा के लिए भी काम किया, और आप सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का इतना अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस इलाके को भाजपा का ऐसा गढ़ बनाया है कि हवा कुछ भी चले लेकिन कमल छाप कभी कमजोर नहीं होता, ये आपने करके दिखाया। अभी मेरे परिचय में अरुण जी और शायद बैद्यनाथ तुमने बता रहे थे चारा घोटाले की याद। अब याद करिए उस समय क्या खौफ का माहौल था, कोई खड़ा नहीं होता था उस राज के खिलाफ। सुशील मोदी पिटिशनर बने, सरजू राय बने, मैं उनका वकील बना, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, आज आप कहानी जानते हैं। और उसके बाद से जो कहानी शुरू हुई 95 से, तो कुछ भी उतार चढ़ाव हो लेकिन कुम्हरार और कंकड़बाग के लोग हमेशा कमल छाप के साथ रहे, ये आपकी हिम्मत है, ये मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखो मित्रों, ये चुनाव, बाकी तो जब चुनाव प्रचार चलेगा तो मैं लंबी बात आपसे करूंगा, लेकिन एक बात आप बताइए सारे वोटरों को कि ये चुनाव ग्राम पंचायत का नहीं है, ये चुनाव म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम का नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का भी नहीं है, ये चुनाव है हिंदुस्तान के भविष्य और हिंदुस्तान की तकदीर को बनाने वाला। आज हमें तय करना है कि हमें कैसा हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा हिंदुस्तान जहां के नेता मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अधिक गिर गए हैं कि सेना की शहादत पर सवाल करते हैं। उनको बार बार कहा गया कि ये सवाल उठाएंगे तो आपकी तस्वीर पाकिस्तान के टीवी पर दिखाई पड़े, और मैंने खुद देखा है, अहमद शाह कुरैशी उनके विदेश मंत्री हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के सारे दल इमरान खान के साथ हैं, क्या हिंदुस्तान के दल साथ में हैं? नहीं है। और बाद में सबका कमेंट चल रहा था। कल मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और मैं चाहता हूं आपके इलाके के वोटर के घर घर में यह बात जानी चाहिए कि चुनाव का मुद्दा क्या है। यह चुनाव का मुद्दा है कि आपको बालाकोट का सबूत चाहिए, उरी का सबूत चाहिए, या आपको देश के लिए शहीद होने वाले सपूत चाहिए, यह तय करना है आपको। याद करिए मुझे मोदी जी ने कहा कि सारे मंत्री जाओ, जो पुलवामा में लोग मरे गए जाओ, अंतिम संस्कार में जाओ। ये मैं गया था तारेगना मथौड़ी के आगे, वो संजय शहीद हुआ था, लगा नौजवानों ने कमाल कर दिया, हजारों की संख्या में बड़े बड़े तिरंगे लेके निकल पड़े। फतुहा में हम लोग पहुंचे, इतना रास्ते में भीड़ थी कि शहीद का शव लेट से पहुंचा, जैसे ही शव पहुंचा 10,000 लोग पहुंच गए घाट पर। यह हिंदुस्तान, यह हिंदुस्तान देश प्रेमियों का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान देशभक्तों का हिंदुस्तान है, और यह हिंदुस्तान क्यों हमारे साथ आता है? यहां अरुण जी खड़े हैं, बाकी लोग खड़े, राजेंद्र गुप्ता जी खड़े हैं, बाबू रामजी सिंह खड़े हैं, सीताराम पांडे खड़े हैं, आप सभी खड़े हैं। क्या सिखाया गया हमें? एक लाइन, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, याद है ना? ये सिखाया गया हमें, देश के लिए जीवन होम करना है। अब ऐसे में एक तरफ नरेंद्र मोदी ऐसा ईमानदार प्रामाणिक व्यक्ति है, कल मैंने बात बांकीपुर के भी कार्यक्रम में कही थी, आज यहां भी कहूंगा, और मैं चाहता हूं ये बात आप अपने मतदान में घर घर पहुंचाइए मतदाताओं, क्या नरेंद्र मोदी की ईमानदारी क्या है? वो 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका पहले बैंक अकाउंट नहीं था क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री बने थे। जब वो प्रधानमंत्री बने दिल्ली आ रहे थे,
तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है, अब आप दिल्ली जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या करना है, क्या निर्देश है? मैंने कहा कितना पैसा है? कहा 21 लाख रुपया है। कहा चेकबुक लाओ। उन्हें चेक साइन किया, कहा पैसा निकालो और ये सारा पैसा हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के चपरासी उनके बच्चों को बांट दो जिन्होंने हमारी 14 साल सेवा की। इसका कुछ मतलब समझते हैं आप लोग? ये हृदय है, हिम्मत है तो हम सरहद के पार जाकर आतंकवादियों को छुट्टी करेंगे। और निर्देश क्या था? एक भी पाकिस्तान की जनता को चोट नहीं लगनी चाहिए लेकिन आतंकवादियों की चड्डी उतर जानी चाहिए। ये ध्यान आपने देखा क्या हुआ? ये एक नया भारत है, साहस आत्मविश्वास से भरा हुआ। और हमने अगर देश की सुरक्षा की काम किया तो उज्ज्वला भी दिया 8 करोड़, डिजिटल इंडिया का भी काम किया, सबसे अधिक हम लोगों ने स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाया, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाया। आज ये हाल है कि जब मैं विदेश जाता हूं मित्रों तो हमारे राजदूत कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कहे कि सर हम लोग राजदूत 30 साल की सेवा के बाद बनते हैं लेकिन भारत के राजदूत के रूप में जितना सम्मान हमको नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिलता है उतना पहले कभी नहीं मिला। ये भारत की ताकत बनाया है तो क्या किस? और देखिए इनका घटियापन, आज 2.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दे दिया गया, मतलब 5 लाख तक का आपको राशि मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ममता जी हैं, छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस की सरकार है, वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या पॉलिटिक्स है भाई? किसानों के 12,000 वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या पॉलिटिक्स है भाई? लेकिन सबसे तो मजा आ रहा है कि कहां तो लोग खड़े हुए थे कि हम लोग बनाएंगे महागठबंधन, याद है ना? बंगाल में एक कार्यक्रम हुआ था ना ममता जी का, याद है कि नहीं? याद है। और वहां आपके सांसद जी भी गए थे, याद है कि भूल गए आप? और आपके प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या क्या कहा था आपने टीवी पर देखा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? इधर तो एक नेता है नरेंद्र मोदी लोकप्रिय, एक कार्यक्रम है, एनडीए का साथ है, बीजेपी की अगुवाई है, देश को आगे बढ़ाना है, उधर नेता का क्या हाल है? मायावती जी ने कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा तो हम किसी को इस्तीफा दिलवा देंगे। तो ममता जी ने कहा मैं भी तो हूं, तुम कहां से आ गई? तो अखिलेश जी ने कहा हम कैसे पीछे? तो प्रियंका जी ने कहा मेरा भैया भी तो है राहुल गांधी, वो क्यों नहीं? तो 2 दिन से यह भी खबर चल रही थी कि तेजस्वी जी भी तो जवान हैं, वो भी तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई मजाक है क्या ये? 130 करोड़ का देश है ये, और मैं चाहता हूं कि ये बात आप पहुंचाइए अपने मतदाताओं के घर घर तक कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी या एक हफ्ते का प्रधानमंत्री या 4 महीने का प्रधानमंत्री या 8 महीने का प्रधानमंत्री। देखो मित्रों मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, वीपी सिंह थे 10 महीना प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी थे 4 महीना प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा आए 9 महीना प्रधानमंत्री, अब सीताराम केसरी बिहार के थे, दानापुर के थे, मजाक भी करते थे। तो उसने एक पत्रकार से कहा कि देवेगौड़ा बहुत दिन बैठ गए, अब उठा हटावल जरूरी है, समझ गए आप? फिर आ गए गुजराल साहब, क्या देश ऐसे चलेगा? आज भारत को चाहिए एक सशक्त प्रधानमंत्री। ये बातें मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं, मैं उनकी आवाज बनने वाला हूं। कैसे बनूंगा? अरुण जी के साथ, नितिन नवीन के साथ, सीताराम पांडे जी के साथ, नंद किशोर जी के साथ, संजीव चौरसे के साथ और आपके साथ, हम लोग सब लोग मिलकर पटना साहब की आवाज बनने वाले। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि स्वार्थ और अवसरवादिता का कोई सीमा होती है क्या? मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको वादा करता हूं, लड़ाई मुद्दों का है। लेकिन किसी को पार्टी ने 12 साल राज्यसभा दिया और 10 साल लोकसभा दिया, कितना भाई लो? 22 साल, बताइए तो।
आप लोगों ने कितनी, मुझे मालूम है अरुण बाबू को आपको कितना डांट डांट के लगाना पड़ता था, याद है कि भूल गया? याद है ना, है? मैं भी तो आता था प्रचार करने के लिए। अरुण जी क्या कहते थे कि देश का सवाल है, मोदी जी का सवाल है, आप लोग लगाते थे। तो मित्रों ये चुनाव है आशा बनाम अवसरवाद का, आशा बनाम अवसरवाद का, ये ध्यान रखना। हिम्मत के साथ लगो और बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और मैं हमेशा कहता हूं देश के चुनाव की ओर दुनिया देख रही है और पटना साहब के चुनाव की ओर देश देख रहा है, समझ गए ना? तो इस पर बहुत मजा आएगा, मिलकर काम करेंगे। और मुझे जरा भी शक नहीं है कि पटना साहब की विजय ऐतिहासिक होगी और आपके साथ हम लोग 23 को वो जलसा मनाएंगे, लेकिन अभी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गर्मी हो अपने वोटरों से कहिए कि एक हफ्ता गर्मी झेल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दो दिन गर्मी झेल लीजिए। देश के लिए क्या दो दिन गर्मी झेल नहीं सकते आप लोग? ये जब आप लोग बताना शुरू करेंगे तो आप देश देखो मित्रों, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और ये बात मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी को लगा कि जो लोग गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। उन्होंने एक बार अपील किया कि जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको गैस की सब्सिडी की क्या जरूरत है? 1.25 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों ने अपने आप गैस की सब्सिडी छोड़ दी और जो पैसा आया वो गरीब महिलाएं जो फूकती थी चूल्हा बनाने के लिए उनके लिए काम आया। याद करिए इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने अपील की थी क्या? जो पुराने लोग बैठे उनको याद होगा, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश में अनाज की कमी है, हफ्ता में एक दिन रात का खाना छोड़ दें, और देश ने खाना छोड़ दिया था। उसके बाद दूसरी बार हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की तो लोगों ने छोड़ दिया। ये अपील का असर क्यों होता है बताया मैंने, 21 लाख रुपया कैसे उन्हें दान कर दिया। अभी मोदी जी कहते हैं साउथ कोरिया, उनको साउथ कोरिया का बहुत बड़ा शांति का अवार्ड मिला है, मतलब बहुत बड़ी राशि मिली है पुरस्कार में। मोदी जी ने कहा यह राशि मेरे लिए नहीं है, यह राशि नमामि गंगे की सफाई में जाएगी। आप देखते हैं मोदी जी को जो उपहार मिलते हैं दुनिया भर में, भी उनकी नीलामी की गई, जितना पैसा मिला कहा नमामि गंगे में जाएगा। जब ये निर्मल व्यक्तित्व होता है ना, ये निर्मल व्यक्तित्व होता है तो देश को जगाने का संकल्प आता है। आज ऐसे नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, हिम्मत के साथ, लगन के साथ। और मैं तो ये नहीं कि मैं उम्मीदवार हूं तो मेरी सीमाएं हैं, लेकिन अरुण जी ने जो एक बात कही है, मेरे बड़े अंतरंग मित्र हैं तो मैं कह सकता हूं, पटना का रिकॉर्ड इस बार हिंदुस्तान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनना चाहिए। ये आपको चिंता करनी है, आप पर्ची पहुंचवा देंगे मतदाता बूथ पर पहुंच जाएगा। पर्ची पहुंचवा दीजिए मतदाता पहुंच जाएगा, पर्ची को दोबारा रिपीट भी करा दीजिए। मतदाताओं से जीवंत संपर्क रखिए, आपने बूथ कमेटी बनाई है, आपने शक्ति केंद्र बनाया है, आपने पन्ना प्रमुख बनाया है, वो सब काम करिए। और जो मैं आज आपसे लंबा भाषण नहीं करूंगा कि आपको भोजन का भी करना है, लगभग 2 बज गए हैं, एक बात ध्यान रखिए, इस बार देश के चुनाव का नतीजा ऐतिहासिक होने वाला है, ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। हम लोग कुछ देशी खबर रखते हैं ना, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये महागठबंधन का मजमा इतना जल्दी बिखर जाएगा। तो अभी आगे जाकर के वो कहां कहां गिरने वाला है, मोदी जी नाम दिया ना महामिलावट, तो मैं चाहता हूं कि यह विषय लाना चाहिए और दुख में पार्टी के साथ भारत के विकास के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। और आज आपने जो मुझे स्नेह दिया है इसको मैं हृदय से
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं अरुण जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सारे कार्यकर्ताओं को ने मुझसे माला पहनवाई। मुझे अंदर से बहुत ही सुकून मिला कि आपके ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत स्वयं कर पाया। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। आप कौन रोकेगा हम? अगर आप सभी लोग बूथ पकड़ लिए और सबसे ज्यादा बूथ पर वोट ला दिए तो भारत से आगे निकल गए कि नहीं, इस भारत के सारे लोकसभा से यही मंत्र देना, बाकी सब लोग आप जरूर जानते हैं। आगे हमको कुछ नहीं कहना है, आगे आपको चुनौती है, आपको नेता है या चुनाव आपका है, अब देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल, देखना है जोड़ कितना। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में। यही नेता है, यही सौगंध है, यही संकल्प है, विजय का संकल्प है, विजय का संकल्प है सबसे ज्यादा मंद पूरे देश में। ये संकल्प आज देते हुए, यह नेता देते हुए, ये चैलेंज देते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहाँ बंद करने के पहले मैं उन सभी अपने आदरणीय लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर